चलिए दोस्तों, कल हम यहीं पे छोड़ा था ये गेम, तो अगले नेक्स्ट स्टेप्स के लिए हम जाएंगे। तो यहाँ पे कल हमने समझा था कि एक और एक नया आइसलैंड में आ गए, लेकिन ये जो एंट्रेंस हुआ तो ये मुझे समझ में आया कि ये चेक पॉइंट है सिर्फ। तो इस चेक पॉइंट में आने के बाद बहुत देर तक मैंने ढूंढा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, नेक्स्ट कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें बोल के। फिर भी हमने क्या किया, चेक पॉइंट में कुछ क्या क्या नया चीज़ें, कपड़े वगैरह चेक किया। उसके बाद यहाँ पे दोस्ती करने के लिए मैं सोच रहा था, तो मुझे दो तीन प्लेयर्स मिलते हैं यहाँ पे। वो प्लेयर्स कैसा मेरे साथ दोस्ती बनाते हैं आप देखें आगे। ऐसा ही मैं कपड़े इधर लॉबी में चेक करते रहता हूँ, तभी मेरे सामने एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, लेकिन मैं भाग रहा था। फिर भी मैं ट्राई किया उसको मैंने फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, तो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। बाद में हमारा फ्रेंडशिप हो गया यहाँ, लेकिन उसका नाम दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। मैं समझा जस्ट आगे इसको ले, इसके साथ हम नेक्स्ट स्टेप्स के लिए जाएंगे, तो हाथ छोड़ दिया मेरा। तो बहुत बुरा लगा यार, अभी फ्रेंडशिप करने के लिए कोई भी नहीं हाथ बढ़ा रहा था मेरे साथ। फिर मैंने दूसरे प्लेयर्स के आने तक वेट किया यहीं पे, तो क्योंकि आगे का मुझे मालूम नहीं था कैसे जाना है, कहाँ पे जाना है। और एक फ्रेंड आता है, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट कर लेता है। करने के बाद कुछ मैं उसे इम्प्रेस करता हूँ कि वो मेरे साथ खेले, उसे लाइट दिखाता हूँ। और यहाँ पर राइट साइड में जो बटन्स है, जब वो एक्सेप्ट करेगा अनदर प्लेयर, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये रियल टाइम का फ्रेंड्स रहते हैं यार, ऐसे जैसे मैं खेल रहा हूँ वैसे ही दूसरी जगह से खेलता हुआ एक खिलाड़ी है, एक प्लेयर है। अगर हम देखिए इसका नाम कुछ है, या समझ में ना रहा एग्जामियो ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी मैं चाहे तो मैं हम यहाँ पे नाम भी उनका हमारा अलग भी रख सकते जैसे मुझे याद रहे। तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, डिफ़ॉल्ट जो नाम है उसका उसको ऐसे रहने दिया। उसके बाद उसका रिक्वेस्ट सभी एक्सेप्ट करने लगा, तो बाद में हमारा पक्का फ्रेंडशिप हो गया। तो यहाँ से हम आगे का सफ़र तय करेंगे दोनों मिलकर, ठीक है। अब देखते रहिए, देखिए रेयर साइड में जो ये दिख रहा है, सिम्बॉल्स दिख रहे हैं जो हाथ का है, राइट साइड में जो एरो मार्क है, स्टार दिख रहा है, ठीक है। जैसे हम अगर समझे कि दोनों मिलके हम कुछ एनर्जी कलेक्ट करेंगे तो दोनों को मिलेगा, मतलब दोनों को इक्वली वो शेयर हो जाएगा एनर्जीज। अगर कोई आप ये गेम नहीं जानते हो तो पुराना वाला कोई ऐसा प्लेयर है, उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो एक्सेप्ट कर लिया तो जो वो जानता है वहाँ पे आपको लेके जाएगा। तो वहाँ पे जैसे भी आप लाइट्स कलेक्ट करेंगे, एनर्जी कलेक्ट करेंगे, वो सबको मिलेगा। अभी देखिए हम तीन लोग फ्रेंड्स हो गए अभी, लेकिन वो पहला वाला वो वापस आके अभी हाथ पकड़ लिया है लेफ्ट साइड में जो है, लेकिन वो छोड़ देता है। हम दोनों का जो बॉन्डिंग है अभी हम दोनों खेल सकते हैं आगे जाके। देखिए हम दोनों यहाँ से आगे जाने का सोच लें, आप चैट भी कर सकते हैं उनके साथ, आप बात भी कर सकते हैं। यहाँ से दोनों उड़ जाते हैं हम, देखिए वही सेम वो बादल का सिनारियो, बहुत ही मज़ेदार गेम है। जैसे जैसे वो उसको वो डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके साथ मैं भी जा रहा हूँ। इधर मेरा कुछ भी कंट्रोल नहीं है, जो भी वो जहाँ पे जाएगा मैं उसके साथ जाऊँगा। ऐसा ही गेम बनाया है, बहुत ही अच्छा है, खास करके लिए बच्चों के लिए तो बेस्ट गेम है ये, वन नंबर वन गेम बोल सकते हैं। देखिए बादलों में फिर से उठ चुके हैं।
यहाँ से हमें एक ब्यूटीफुल सा एक जगह मिलता है, ये रियली वो स्पैन लैंड है। तो लास्ट टाइम जो हमने बताया था वो टेम्पल के बाद जो एक लैंड आता है वो ए लैंड है। यहाँ पे भी हमें ये नज़ारा देख के मैंने क्या किया, थोड़ा घूमने का सोचा और पहाड़ों के ऊपर जाके वो फूल वगैरह देख के बहुत ही खुश हो रहा था मैं। तो मैं कुछ भी लाइट्स कलेक्ट नहीं कर रहा था, सोचा कि थोड़ा घूम ले कैसा दूर से कैसा दिखता है ये पूरा आइसलैंड। तो ऐसे देखते देखते मैंने तो फ्रेंड्स के साथ आगे बढ़ता गया उसको खींचते खींचते हुए। तो यहाँ से देखिए ऊपर आ गया हम, यहाँ पे क्या था है? मैं यहाँ से जंप करता हूँ, जंप करने के तुरंत ही वो छूट जाता है फ्रेंड, मतलब वो ऑफलाइन हो जाता है। ऑफलाइन होने के बाद उसका बॉडी भी नहीं दिखता मुझे, तो बहुत ही बुरा लगता है। चलो मैं क्या करूँगा, अभी आगे बढ़ूँगा, देखेंगे अकेले क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ तो एक एनर्जी दिख रहा है मुझे, पहले इस एनर्जी को कलेक्ट करेंगे, इसके बाद देखेंगे कहाँ पर जाना है, आगे क्या टास्क आता है हमारा सामने। अच्छा करता हूँ मैं एनर्जी कलेक्ट करके, ये जो एनर्जी है ये आपको उड़ने का ताकत बढ़ाते रहता है। ऐसे मतलब एनर्जी आप कलेक्ट करेंगे तो ऐसे आपका विंग्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है, विंग्स का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब आप दूर दूर तक उड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी यहाँ से मैं उड़ने का सोच लिया था तो पूरा एक बहुत ही मतलब ये आगे जो एरिया दिख रहा है ये हमारा टास्क का एरिया है। यहाँ से हम अगले टेंपल को जाने वाले हैं, अगला टेंपल में क्या एनर्जी मिलता है वहाँ पे क्या होता है अभी आगे देखेंगे आप। बहुत ही प्यारा सा गेम बनाया है इन लोगों ने, मुझे तो बहुत ही पसंद आ रहा है यार ये गेम। देखिए एक एनर्जी को हमने कलेक्ट कर लिया, ये स्पिरिट एनर्जी है, मतलब ये लोग जो तारे बन के ऊपर थे तो उनको डार्कनेस से वजह से वो नीचे आ गए, मतलब हमारे जगह आ गए आइसलैंड पर, तो उनको हमें वापस भेजना है उनका एनर्जी दे के। हमारे पास जो एनर्जी कलेक्ट होता है हम उनको देते हैं, तो वो स्पिरिट का जो एनर्जी है वो हमें देते हैं। तो इससे हमें क्या होता है वहाँ तक उनके टेंपल तक उड़ने का हमें एनर्जी मिलता है, मतलब वो ट्रेन करते हैं हमें कहाँ पे जाना है कैसा जाना है, ठीक है, ऐसा गेम है। तो पहले मैं सभी टेंपल्स को ढूंढता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे टास्क है मेरा, एक एक करके उसका वो वहाँ पे कैंडल लगाना है, वहाँ पे जो भी एनर्जी कलेक्ट करना है वो सब कलेक्ट करता हूँ मैं। जो जो ऐसा मार्क दिखेगा कैंडल का आपको सब वो कैंडल को लगाना, जहाँ पे डार्क एनर्जी रहता है उसको तोड़ना है। मतलब अभी देखिए जब वो कैंडल मार्क आता है तो समझिए कि वहाँ पे डार्क एनर्जी है, ये जो डार्क एनर्जी है इसको मैं कैंडल लगाने से वो वाइट में बदल जाएगा, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो टेंपल काम करना शुरू हो जाएगा, जैसे वो स्पिरिट जो है अभी टेंपल को स्टार्ट कर रहा है, जो ब्लैक था वो एनर्जी लेस था, अभी वो एनर्जी पकड़ के पूरा घूमना शुरू हो जाएगा, गोल्डन कलर हो जाएगा। देखिए चलो और एक एनर्जी कलेक्ट हो गया हमारे पास,
अच्छा देखिए, ये जो टेम्पल है यहाँ पे जाना है हमें, मतलब ये ऊपर है, यहाँ से हम वहाँ पे शायद उड़ना उड़ना पड़ेगा अभी, लेकिन अभी भी ऐसे छोटे छोटे आइसलैंड बहुत है, शायद मुझे सब आइसलैंड में जाके एनर्जी कलेक्ट करना पड़ेगा। सबके ऊपर एक एक छोटे छोटे टेंपल बनाए हुए हैं, तो चेक करता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ पे। एक तरफ से पूरा एक राउंड मार के आएंगे। ओके, जो अंदर जो एक मार्ग था उसमें एक लाइट जला, तो जो बड़ा सा वेल जैसा वो एक मार्ग था। अच्छा, मतलब वो एक वेल यहाँ से उड़ के वहाँ गया उस टेंपल की तरफ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा शायद। जा सकता है आराम से। अच्छा, इधर इधर कुछ है, इधर शायद ये दरवाजा ओपन कर सकते हैं। अरे नहीं यार, यू नीड टू प्लेस दो, अगर देखो यहाँ पे दो प्लेयर रहा तो हम ये ओपन कर सकते थे ये टेम्पल, शायद हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता अंदर 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 के साइड पे, लेकिन अकेले होने की वजह से ये दोनों दोनों एक ही टाइम पे करना था शायद हमें। वो दोस्त को बहुत मिस कर रहा हूँ यार, वो पीछे ही छूट गया है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे क्या होता है। राइट साइड में कुछ मार्क भी आया, एक उड़ते वक्त उसको एनर्जी को बढ़ा भी सकते हो शायद। चलो दो, हाँ दो हो गए, दो लाइट जल गए, वो एक तो स्टार्ट ही हो गया टेंपल, और एक लगाना है शायद हमें। पे जा रहे हो? अच्छा, इतनी दूर तो नहीं जा पाऊंगा मैं, शायद ये सामने वाला जा सकता हूँ मैं, देखेंगे। चलो टेम्पल में जो मार्क था यही था वो, इसमें दो पॉइंट एक्टिवेट हो गया है, मतलब और एक एक्टिवेट करना बाकी है हमें। शायद यहाँ पे कुछ छूटा है क्या? देखेंगे और एक बार चेक करेंगे यहाँ पे। शायद वो सामने वाला वहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद कुछ एनर्जी चेंज हो गया, हमारा ज़्यादा बढ़ गया है। ब्लैक एनर्जी यहाँ पे थोड़ा, क्या हम उड़ सकते हैं क्या? एनर्जी तो ट्रिपल हो गया अभी। थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे।
कुछ ही नहीं है हमारे पास, कैंडल भी नहीं जल रहा हमारा सा। स्लाइड करते हैं शायद फर्स्ट है, इसके बाद शायद हमें एक रास्ता मिलेगा उस टेंपल जाने जाने के लिए। मतलब मैसेज छोड़ सकते, नेक्स्ट जो प्लेयर आएगा उसको मैसेज भी छोड़ सकते हम क्या करना है इस टास्क को। देखा अभी ये एक्टिवेट हो गया, चल गया तो उस तरफ ही जाना है हमें, लेकिन पहले शायद वो एक्टिवेट हुआ तो वो एनर्जी हमारे पास रहेगा क्या। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज भी छोड़ सकते जो पीछे जो प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए उनके लिए, हम कैसा एक्टिवेट कर सकते हैं, मतलब आगे क्या कर सकते हैं, इसमें मैसेज भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे सेव करके। फिलहाल मैं ये नहीं करूँगा, चलो आगे बढ़ेंगे हम। उसके साथ जा सकते हैं, उसको टकराने के बाद पूरा ऊपर उड़ गया मैं। यस, नहीं 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 नीचे नहीं, अलग करना पड़ेगा कुछ कुछ दूसरा मेथड है क्या। उनको उनके ऊपर नहीं, उसको टच करने के बाद हम इतने जोर से उड़े, और एक बार ट्राई करेंगे क्या। देखो एक बार और उस तरफ जाएंगे, उस वो एनर्जी के पास आ गए तो बहुत ज़ोर से उड़ा था मैं, जो वो साउंड निकाल रहे वेल्स या उसके ऊपर। अरे नहीं यार, नहीं हुआ, चलो इधर उतरो, उतर आते चुप। हाँ अभी 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 अभी, अरे 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 उसके ऊपर हूँ मैं, उसके ऊपर हूँ, उसके साथ जाना पड़ेगा। अच्छा चलो चलो, ऐसा उसके ऊपर रुक के जाना है हमें, उसके ऊपर बैठ के। देखो मैं कुछ कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ अभी, सीधा वो व्हील के ऊपर ही जा रहा हूँ, अपने आप ले जा रहा है मुझे ऊपर। चलो उतार दिया मुझे, बहुत बढ़िया था यार ये। यहाँ पे कुछ है क्या,
पानी वगैरह इधर कुछ नहीं शायद, जंगल को देखिएगा नहीं, पानी है पूरा। कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बोट्स रखे हुए ना, पेपर बोट्स। चलो एक्टिवेट एनर्जी कम होते जा रहा है हमारा, है ना। तीन, अभी तीन ही बचे हैं हमारे पास। आराम से बैठ गए ये तो हमारा पूरा। इस तरफ कुछ नहीं होगा शायद, एंट्रेंस से ही चलेंगे। इतना बड़ा टेंपल है, इसके अंदर ही कुछ होगा। आ गए शायद, सही सही जगह आए हम। कुछ बहुत ही बड़ा एक स्टैचू है, उस तरफ जाना है, वहाँ पे कैंडल जलाना है। जैसे पिछली बार हम वो टेंपल में जलाए थे ना, सेम उसी तरह इस एनर्जी को भी हम फ्री करवाना है। घड़े जैसे है ना ये पत्थर, सभी पॉट जैसा बना है। चलो कैंडल लगाएंगे। कोई आया है यहाँ पे, बैठना पड़ेगा। एमोट दिखा रहे, बैठो, वो मतलब प्रेयर करना पड़ेगा बैठ के, जैसे पूजा करते हैं वैसा ही। कुछ तो है, कोई दूसरा आ गया क्या? ये एक्टिवेट हो रहा है अभी शायद। लास्ट टाइम भी ऐसे ही किया था ना, लास्ट तो टेंपल में दादाजी जैसे दिख रहे थे, ये तो महाराज जैसा है, उससे भी बड़ा है। हमारे पास आ रहे उसके पास ही चला गया। चलो वो करेंगे। अच्छा उसने भी वेव किया। अरे तीन हो गए हम, चार मेरे साथ और तीन लोग हैं यहाँ पे। चलो एनर्जी तो बढ़ गया हमारा। आगे इसके पीछे दरवाजा है क्या? कुछ तो क्या है, लाइट्स, वही तितली, और लाइट्स का तितली, बटरफ्लाई, इतने सारे हैं। टैप टैप किया, ओके
तो हम आ गए नेक्स्ट लेवल। अच्छा समझ गया समझ गया, ये तो हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट हो गया अभी। चलो गाइस और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गेम अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी करो यार प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो कल डालूँगा।